चिल्ला क्यों रहे हो? मम्मी और संजू आप दोनों बाथरूम में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हुए थे। वो तुम्हारी दादी जी आई हुई थी ना, तो हमने कहा डिस्टर्ब ना हो जाए उनको। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो भूपेश से कुछ गुफ्तगू करके गई है। ए कश्मीरा, कहते रहे इससे कि गुफ्तगू करके गई है या मेरी बेटी को कूट कर गई है। बेचारा मेरा बच्चा एक तो ऐसे ही कमजोर है, ऊपर से अम्मा जी आती है और कूट कूट कर चली जाती है, और जिसे धोना चाहिए उसे तो नहीं धोती है। मुझे कह के धोएंगी वो? मैं आपकी तरफ धरती पे बोझ नहीं हूँ। कह दे रे कश्मीरा। मम्मी प्लीज, ये चिक चिक बंद करो वरना दादी आ जाएगी। तुम्हारी मम्मी जो ढाबा चलाती थी वहां खाना नहीं बनता था, मूड बनता था। Excuse me? कुछ खाने को मिलेगा आपके राज में? संजू कल के लिए सॉरी, वो क्या है ना, दादी आ गई थी तो। इट्स ओके बेबी, शादी की है यार, निभाऊंगा, प्यार करता हूँ तुमसे। कुछ खिला दो, बड़ी भूख लग रही है। अरे खा बेटा और खा, रात को कुटा है ना मेरा बच्चा। अरे मम्मी, मारी समझ में यो नहीं आवे है कि दादी आवे किसी और की वजह से है और कूट के मन्ने चली जावे है, यो के हो रहा है मेरी गैल। तू चिंता मत कर बेटा, दादी जिसकी वजह से आती है ना, देखना एक दिन उसी को ऐसा जम के कूटेगी कि इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। हाँ, आपकी हसरत कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि पिटाई गधों की होती है, शेरों की नहीं। कह दे रही भूपेश कि मेरे मुंह ना लगे, हाँ वरना कलेश हो जाएगा। कलेश की तो जीती जागती मूर्ति खुद है आप। आप जहां होती हैं वहां कलेश के अलावा कुछ और होता है? ज्यादा गर्दन यूं यूं मत मटकाया करो, किसी दिन टूट के निकल जाएगी गर्दन। संजू, संजू मुझे एक बात बताओ, रात को जो तुम शर्ट पहनकर आए थे ये वो शर्ट नहीं है जो तुम सुबह पहनकर गए थे। मतलब संजू ये वो शर्ट नहीं है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था बर्थडे पे। नहीं कश्मीरा, ये वही शर्ट है। संजू ये वो शर्ट नहीं है, वो शर्ट तो एकदम, उसका कलर एकदम उजला था, ये तो एकदम फीकी है। कश्मीरा तुम क्यों भूल जाती हो कि ये एक मजदूर की शर्ट है। वो मजदूर जो रोज सुबह घर से काम के लिए जाता है ऑफिस, दिन भर ऑफिस में काम करता है, अपना पसीना बहाता है, और शाम को थका हारा उसी पसीने में लथपथ वो घर वापस आता है, तो फिर शर्ट उतनी उजली कैसे पड़ेगी? कलर तो फीका पड़ जाएगा ना कश्मीरा। अरे रुक जा मम्मी। अरे जीजा, झूठ क्यों बोल रहा है? ऑफिस में तो तेरे कैबिन में एसी लगा से, फिर तुझे कहां से पसीना आवे है झूठे काम का। वाह वाह नवाब साहब, क्या बात बोली है भूपेश। अरे क्या बात कही, इसे क्या पता मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तो दिन भर मटर गश्ती करता ऑफिस में। चुप करना भूपेश, मम्मी आप भी। संजू ठीक कह रहे हैं, खामोखो आप दोनों ना शक करते रहते हो इन पे। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, कैसे आना हुआ? बस भाभी जी ये बताने आया था कि आजकल कुछ छिछोरे लौंडे रात बेरात हमारे घर में घुसे चले आते हैं। कौन सा छिछोरा लौंडा है जो रात को तुम्हारे घर पे आ रहा है? अरे राजकिशोर भैया, जाने अनजाने में लोगों से गलतियां हो जाती हैं आजकल।
मिट्टी डालो, भूल जाओ, कुछ नहीं, माफ कर देना चाहिए इन्हें, माफ कर दीजिए। जीजा तू क्यों माफी मांग रहा था? मैं कहाँ माफी मांग रहा हूँ बे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे वो होता रहता है, माफ कर देना चाहिए, ऐसे कई आते हैं इसके जैसे 50। पहली गलती थी इसलिए छोड़ देता हूँ। अच्छा भाभी जी चलता हूँ, वो क्या कंचन घर में अकेली है ना, उसका ख्याल भी रखना है। के? भाभी घर में अकेली से? भाभी जी घर पर अकेली है तो तू को जश्न मना रहा है? भाई साहब मैं जश्न नहीं बना रहा, मैं तो नू बोलू हूँ, जो अकेली भाभी होवे है ना वो खुली तिजोरी की तरह होवे है। सुन लिया माता जी, संभालिए अपने बेटे को। वो क्या है ना भाई साहब, इसकी थोड़ी मजाक करने की आदत है ना। हाँ हाँ दीदी बताओ, हमारी बीवी को खुली तिजोरी बोल रहा है? ऐसा असली मजाक कर रहा है हमसे? अरे जाने भी दो, अभी तो बेचारा मासूम बच्चा है। मासूम बच्चा तो घुटने में रहे। आप आराम से काम पर जाइए भाई साहब, कंचन का ध्यान मैं रख लूंगी। भाभी जी हम काम पर नहीं जा रहे। क्यों? अरे इस कमबख्त ने हमारी बीवी को तिजोरी बोल दिया। कल को हम काम पर गए और पीछे से किसी ने हमारी तिजोरी खोल ली। साले चीजा और साले दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो रहे हैं। आना फिर राजकिशोर भैया, आते रहा करो, नाश्ता कर जाते। नहीं नहीं खत्म हो गया, चलो बाद में फिर। ख्याल रखो यार, मजदूर की शर्ट है। चल भाई निकल रहा हूँ मैं, आ रहा है क्या तू? मैं तो चला। हाँ जीजा आ रहा हूँ, रुक जा आ रहा हूँ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं तो मैडम, डरा हुआ नहीं हूँ, ये तो आपके लिए रिस्पेक्ट है। कहाँ है? रिस्पेक्ट दिल में है मैडम। शर्ट कहाँ है? दिल में है मैडम। अच्छा, रिस्पेक्ट के साथ शर्ट भी आपने दिल में रखी हुई है? नहीं नहीं मैडम, शर्ट दिल में है, रिस्पेक्ट बैग में है। बैग लंच के वक्त मुझे शर्ट चाहिए। ओके इसको ठीक करा रहे यार, इट्स एम्बैरेसिंग। लो सा पानी। अरे अरे जो खेला है तो फैला दिया छेदी तूने यार, बावड़ा कहीं का। क्या हुआ छेदी, क्यों झूल रहा है यार? क्या नशा करके आया क्या ऑफिस टाइम में? अरे साहब गैस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो लेमन चूस ले, सेट हो जाएगा। अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, बाहर जाके वज्रासन करना, बैठ के निकल जाएगी सारी गैस, अंदर करके बैठ जा रहा थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, तैशी साहब से बोल के कुछ दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। हाँ मिल गई छुट्टी, चल चल। जब छेदी को गैस हो सकती है तो पेट तो हमारा भी है। मैं आई कम इन मैडम। कम इन, शर्ट लाएं। हेलो हेलो मैडम, डिलीवरी होने वाली है? नहीं नहीं तो मैडम। तो फिर पेट पकड़ के करा क्यों रहे हैं आप? बहुत भयंकर गैस बन रही है पेट में। गैस का प्लांट लगा हुआ है आपके पेट में? नहीं मैडम, वो रात को आलू के पराठे खा लिए थे तो सुबह से जो गैस बनना शुरू हुई है फैल गई है, बहुत घबराहट हो रही है, जी मचला रहा है। ओए
ओ माय गॉड लगता है ये बेहोश हो गए। मिस्टर साजन, ओ माय गॉड लगता है इन्हें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना होगा। मिस्टर साजन, मिस्टर साजन क्या हो रहा है आपको? I don't believe this. Mr. Bhupesh! क्या होगा मैडम जी? क्या हो गया? अरे यूके जिज्जा मूर्छित होगा। इन्हें CPR दीजिए। मतलब छाती पीट के मुंह में हवा भरनी है। अभी लो मैडम। ये बेटा तो थोड़ी है घबराहट पर ठीक है। अभी आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए खुली हवा में, जरा टहलिए, आपको ठीक लगेगा। पापा को भी सेम प्रॉब्लम है। आस्क हिम फॉर सम टिप्स। यस ठीक है मैम। एंड वन मोर थिंग, एज यू फील बेटर मुझे वो शर्ट ला के दीजिए, क्लाइंट इज ऑन द वे। ठीक है मैम। जीजा ये अचानक तेरे गैस सी कैसे बन गई? हां बाहर आ बता। और इतना खावे पिए तू जो तुझे हजम ना होता है? सर मैडम तो हाथ धो के उस शर्ट के पीछे पड़ गई हैं। कहाँ से लाऊं यार मैं शर्ट? शर्ट यहाँ है। अबे चिड़चिड़े तू। मतलब राजकिशोर भैया आप? मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें गलत समझा। ये शर्ट मेरे घर में ही थी। यार क्या सही करेक्ट टाइम पे एंट्री मारी है राजकिशोर भैया आपने। यार कमाल आदमी हो आप। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये प्यार है प्यार। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। अरे किसी टाइप के आदमी हो आप, लेकिन इस वक्त आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। भगवान क्या बात है। और उससे अच्छी बात ये कि ये शर्ट लेके सीधे आप मेरे पास आ गए, मेरी बीवी के पास नहीं गए। पहले मैं तुम्हारे घर पर ही गया था, वहां पर कोई मिला नहीं, इसलिए इसको लेकर मैं यहाँ पर आ गया। ये आपने बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा काम किया। अब एक अच्छा काम और करना कि इस सब के बारे में ना घर पे कोई बात मत करना प्लीज। मुझको क्या पड़ी किसी को बताने की? लेकिन इस पे ये कि लाल लाल दाग लगा हुआ, ये किस चीज का है? ये लाल स्याही गिर गई थी। अच्छा मुझे तो ये लिपस्टिक का निशान लग रहा है। अरे पेट पेट क्या बात है सर, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मौत के मुंह से बाहर निकलने में जो खुशी है ना छेदी। अरे तो ऐसी हरकत ही क्यों करते हैं कि मौत के मुंह में घुसना पड़े? मौत के मुंह में कौन घुसना चाहता है यार? तो कहाँ घुसना चाहते हैं? दिल में। किसके? है कोई बेहद खूबसूरत और इंटेलिजेंट। अच्छा मैं उसे जानता हूँ। बहुत अच्छी तरह से। तो मत घुसिए। क्यों बे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जानने वाले के ऊपर आपकी अश्लील नजर पड़े। तू लेमन चूस ले, चल जाकर अपना काम कर, बैठकर दिन भर यहाँ योगा करता रहता है। क्या कॉफी ले गया? जी सर। मिस्टर साजन, सॉरी सर। ये क्या तरीका है? आप अभी छेदीलाल को क्यों डांट रहे थे? नहीं मैं कहा सर, मैंने तो सिर्फ कॉफी लाने के लिए कहा। झूठ मत बोलिए, मैंने देखा था आपको। आप कहाँ थे सर? मैं यही कहीं था। अच्छा ये बताइए ये सफेद शर्ट लेके आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? ये मैडम ने मंगवाई है प्रेजेंटेशन के लिए। ओके ओके
जाइए जाके काम कीजिए और मैं छेदीलाल से कह के आपके लिए कॉफी भिजवाता हूँ। मिस्टर लालवानी के साथ हमारी मंदाकिनी लिपस्टिक की एड कैंपेन इज अ सक्सेस। आई एम हैप्पी। कितनी फुर्सत से बनाया है मैडम को बनाने वाले ने, पता नहीं कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया है। आप कुछ सोच रहे? कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैडम। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। नहीं? मैं तो खुशफहमी में थी कि आप मेरे बारे में सोचते हैं। नहीं नहीं, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। तो फिर आप काम के बारे में कब सोचते हैं? काम के बारे में भी सोचता हूँ। काम के बारे में ही सोचे। ओके। इसका हमारे ऐड से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर? बस यूं ही आपकी शर्ट को देख के ऐसा लगा कि उसे दागदार बनाया जाए। I just get this. मैं कश्मीरा नहीं, कश्मीरा की दादी हूँ भूतनी के। हेलो खिलौनी। हाँ, अरे गोली मार यार उसको, कस्टमर को मेरी सुन। वो ब्लू शर्ट देखी ना मेरी? हाँ, उस पर वही दोबारा हो गया यार कांड। हाँ तू लेके मिल यार, सेम वैसी शर्ट ले आ। हाँ वही मिल जा। हाँ ठीक है। नमस्कार। हर मर्द कमीना होता है शो में, मैं कमीनी आई मीन कामिनी आप सबका स्वागत करती है। आज हम रोशनी डालेंगे मर्दों की याददाश्त पर। अक्सर हमने देखा है शादी के 2-3 साल बाद ही मर्दों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। जहां शादी से पहले उसे आपकी हर बात याद रहती थी, फॉर एग्जाम्पल पिछले बर्थडे में आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी वगैरह वगैरह। संजू को भी शादी से पहले सब कुछ याद रहता था कि मैंने लास्ट बर्थडे पे कौन से कलर का ड्रेस पहना था। उसमें क्या है? बहस बंद कीजिए और शादी के बाद की बात कीजिए। सामने से हटना। क्या आपके पति को अब भी आपका बर्थडे याद रहता है? क्या आज भी आपके पति को आपकी मैरिज एनिवर्सरी की डेट याद रहती है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। So what are you waiting for? Christmas? आप सोचना शुरू कीजिए। अगर आपके पति को अब भी सब कुछ याद रहता है, इसका मतलब है आपका पति अब तक भटका नहीं। लेकिन अगर आपके पति की याददाश्त कमजोर हो गई है, फिक्र कीजिए। क्या सच में संजू भी बाकी के हस्बैंड्स की तरह कुछ भी याद नहीं रखता?